और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर नगर निगम का मीट दुकानदारों को आदेश जारी किया गया है। दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखने का आदेश जारी किया गया है। साफ तौर पर एक आगे जयपुर नगर निगम की तरफ से कि आपको बताना होगा कि आप दुकान के अंदर क्या बेच रहे हैं। खुले में मीट बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, कमर्शियल लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जानकारी अब निकल कर सामने रहे कि दुकान के बाहर आपको ये बताना होगा कि आप दुकान के अंदर हलाल बेच रहे हैं या फिर झटका। अब ये बड़ी खबर जो है वो जयपुर से, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से आदेश क्या जारी किया गया ये आपको बता देते हैं। जयपुर नगर निगम ने कहा है मीट दुकानदारों के लिए ये विशेष नियम है, आप दुकान के बाहर हलाल या फिर झटका ये लिखना जरूरी होगा। ये सर्टिफिकेट एक तरह से है। खुले में मीट बेचने के ऊपर भी अब पूरी तरह से पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा कमर्शियल लाइसेंस लेना भी इन दुकानदारों के लिए अब अनिवार्य किया गया है। तो यूपी और उत्तराखंड के बाद अब जयपुर नगर निगम की तरफ से भी बड़ा आदेश जारी किया गया है। मीट दुकानदारों को इस बात का आदेश दिया गया है कि आपको बताना होगा दुकान के अंदर क्या बेच रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जयपुर में भी सावन को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। ग्रेटर नगर निगम ने मीट दुकानदारों के लिए नया आदेश जारी किया जिसकी चर्चा जोरों पर है। आदेश के मुताबिक दुकानदारों को बाहर लिखना होगा कि मीट हलाल या झटका है। इसके साथ ही खुले में मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया। मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है। इसके अलावा जयपुर में अब आवासीय स्थानों पर मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकानों के लिए अलग से जगह निर्धारित की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके लिए सर्वे भी किया जाएगा। मेयर ने बताया कि दुकानदारों के लिए अब कमर्शियल लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया। मीट की दुकान है, विद मीट की दुकानें संचालित हो रही है, जहाँ लाइसेंस मिल रहा है वहाँ नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हमने जो मीट की दुकान में का भविष्य में नगर निगम लाइसेंस देगा वहाँ कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है उस मीट की दुकान का। हालांकि जयपुर नगर निगम के इस फैसले की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ये भी तय माना जा रहा है कि इस फैसले पर सियासी बयानबाजी खूब होगी।